नियमित हवाई सेवा बेस चिकित्सालय में पदों का सृजन सहित चार सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे विधायक मयूख मेहर को समर्थन देने के लिए जन संगठनों का सैलाब उमड़ पड़ा है। लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए शनिवार को धरना स्थल कलेक्ट्रेट परिसर से बदलकर टकाना रामलीला मैदान कर दिया गया। शनिवार को हेल्थ वर्कर यूनियन, सीमांत संघर्ष समिति, आम आदमी पार्टी सहित तमाम संगठनों के पदाधिकारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया। विधायक मयूख मेहर ने कहा है कि उनके द्वारा उठाई गई मांगे आम जनता के हितों से जुड़ी हुई है और यह मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वे धरना समाप्त नहीं करेंगे। पिथौरागढ़ कैंपस में छात्र संघ महासचिव पद के दावेदार दिनेश प्रकाश ने कहा है कि वह चुनाव प्रचार में धनराशि खर्च नहीं करेंगे। बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट आदि से शहर को गंदा करने की जगह वे इस धनराशि से महाविद्यालय के प्रवेश द्वार का सुंदरीकरण करेंगे। इसके लिए उन्होंने महाविद्यालय प्रशासन से अनुमति मांगी है। उनकी इस पहल को छात्र छात्राओं ने सराहनीय बताते हुए कहा है कि अन्य प्रत्याशियों को भी इससे सबक लेना चाहिए। पिथौरागढ़ कैंपस में छात्र संघ चुनाव के लिए विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में मोहित पांडे के रूप में एकमात्र नामांकन हुआ। उनका निर्विरोध चुनाव तय हो गया है। कांग्रेस महासचिव राहुल लुंटी, प्रदेश सचिव करण खाती, छात्र नेता पंकज जोशी, विक्की लोहिया, सागर बिष्ट, ऋषु खत्री ने उन्हें बधाई दी है। त्योहारों के सीजन टिप टॉप मोबाइल्स आपको दे रहा है भारी डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर्स। पाएं हर ब्रांडेड मोबाइल के साथ निश्चित उपहार और आईफोन पर विशेष छूट, JBL, बोट स्पीकर्स और ईयरबड्स के साथ और भी बहुत कुछ। स्मार्टफोन से लेके आईफोन, स्मार्ट वॉच से स्मार्ट टीवी तक 0% में फाइनेंस और EMI की सुविधा उपलब्ध। 1 लाख से ऊपर के फोन घर ले जाए मात्र 7 रुपए में, तो देर किस बात की। अभी संपर्क करें टिप टॉप मोबाइल्स, मोबाइल मार्केट, गांधी चौक एक्सटेंशन काउंटर, सिमल गैर बाजार, पिथौरागढ़। 15वां राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन शनिवार को पिथौरागढ़ में शुरू हुआ। मंगल मूर्ति बारात घर में मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक बिशन सिंह चुफाल, विशिष्ट अतिथि जसविंदर कौर, उपनिदेशक उत्तराखंड भाषा संस्थान पूर्व, उप शिक्षण निदेशक कमला पंत, कुमाऊनी भाषा एवं संस्कृत प्रचार समिति के अध्यक्ष देव सिंह पिलखवाल, पूर्व कुलपति शोभन सिंह जीना, विश्वविद्यालय नरेंद्र सिंह भंडारी, संयोजक डॉक्टर अशोक पंत, पहरू के संपादक डॉक्टर हयात सिंह रावत, वरिष्ठ पत्रकार BD कसनियाल की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। दीप प्रज्वलन के बाद छात्र छात्राओं ने वंदना और स्वागत गीत तथा छलिया नृत्य का प्रदर्शन किया। सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए संयोजक डॉक्टर अशोक पंत ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कुमाऊनी भाषा का प्रचार प्रसार और संरक्षण करना है। उद्घाटन अवसर पर डॉक्टर दीपा गोबाड़ी के कविता संग्रह उजास और भारती पांडे की पुस्तक चौसात का विमोचन किया गया। आयोजन स्थल पर कुमाऊनी उत्पाद एवं कलाकृतियां, ऐतिहासिक सामग्री, लिखित भोजपत्र, ताम्रपत्र, वाद्य यंत्र और पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई। नमामि गंगे योजना के तहत पिथौरागढ़ कैंपस के छात्र छात्राओं ने शनिवार को चंडिका घाट में गंगा उत्सव का आयोजन किया। छात्र छात्राओं ने गंगा तट पर सफाई की और 350 दिए जलाए। इस अवसर पर पिथौरागढ़ कैंपस की NSS प्रभारी डॉक्टर सरोज वर्मा ने छात्र छात्राओं को नमामि गंगे योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला मुख्यालय के नजदीकी चैसर गांव के होनार फुटबॉल खिलाड़ी नितिन धामी को अंडर-14 राष्ट्र फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया है। ग्राम प्रधान चैसर किशन सिंह धामी सहित तमाम लोगों ने उन्हें शानदार उपलब्धि पर बधाई दी है। नितिन हाई स्कूल बिड़ में 9वीं कक्षा के छात्र हैं। आयुर्विद्या कार्यक्रम के तहत राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर हेमलता पायर फार्मासिस्ट रविंद्र पटियाल ने बच्चों को आयुर्वेद के बारे में जानकारी दी और योगाभ्यास कराया। स्वास्थ्य जांच के बाद औषधि महत्व के पौधों का रोपण किया गया। उत्तराखंड के वृक्ष मित्र कुंवर दामोदर राठौर की पुत्री प्रियंका राठौर पुजारी ने शनिवार को अपने पिता के 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य पूरा कर लिया। उन्होंने अपने 28वें जन्मदिन पर पति हरी सिंह और निगम के प्रबंधक दिनेश गुरुरानी के साथ पेड़ लगाए। इस अवसर पर केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया गया। उन्होंने जिले के लोगों से अनुरोध किया है कि घर में कोई भी शुभ कार्य होने पर एक पौधा धरती माँ के नाम अवश्य लगाएं। मजीरकांडा क्षेत्र के प्रसिद्ध असुरदेव मंदिर में MKVS के संचालक विप्लव भट्ट और मंजुल भट्ट ने हवन यज्ञ का आयोजन कराया। पुरोहित केदार दत्त जोशी, पुजारी तुलसीदत्त भट्ट, डंगरिया भूपाल सिंह, हरिकृष्ण भट्ट, राजेंद्र भट्ट, हरि बल्लभ भट्ट की मौजूदगी में हुए हवन यज्ञ में जिले के कल्याण की कामना की गई। हवन यज्ञ में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
मुआनी महोत्सव की पहली शाम स्टार कलाकारों की धूम मची रही। लोक कलाकार कैलाश कुमार, कमलजीत ढकरियाल, दीपिका राज और बेबी प्रियंका ने अपने गीतों से दर्शकों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। कैलाश कुमार के पहाड़ी हिंदी और कमलजीत के नेपाली गीतों ने माहौल में चार चांद लगाए। संस्कृति विभाग से आए सांस्कृतिक दल ने बगवाल दिखाकर भक्तिमय माहौल बनाया। महोत्सव के मुख्य अतिथि डिडिहाट के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हरेंद्र चुफाल, विशिष्ट अतिथि उप जिलाधिकारी श्रेष्ठ घुंसेला रहे। महोत्सव समिति के अध्यक्ष कमलदीप सिंह ने सभी का स्वागत किया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत शनिवार को एसएसबी की 55वीं वाहिनी परिसर में भ्रष्टाचार उन्मूलन पर गोष्ठी का आयोजन हुआ। वाहिनी के उप कमांडेंट प्रशांत कुमार मिश्रा ने भ्रष्टाचार से देश को होने वाले नुकसान और इससे बचाव पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार उन्मूलन से देश मजबूत होगा। इस अवसर पर बल के तमाम अधिकारी और जवान मौजूद रहे। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।